प्रायोजक हैं। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश, बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। केदारनाथ में पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना, प्रधानमंत्री हिमाचली टोपी और खास पोशाक में नजर आए। संजय राउत अनिल देशमुख की जमानत पर आज हो सकता है फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अनाथ बच्चों के साथ मनाएंगे दिवाली, सीएमआर में देंगे लंच, कोविड में इन बच्चों ने खोया माता पिता को। मुख्यमंत्री गहलोत और यूडीएच मंत्री धारीवाल आज कोटा को देंगे सौगातें, 700 करोड़ के 21 कार्यों का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण, कोटा के यूआईटी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम। सीएम गहलोत जयपुर को देंगे बड़ा तोहफा, मानसरोवर में प्रदेश के सबसे बड़े सिटी पार्क का करेंगे उद्घाटन, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल रहेंगे मौजूद। मैक्सिको में बड़ा रेल हादसा, तेल टैंकर से टकराई मालगाड़ी, हादसे के बाद लगी भीषण आग। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में 3 बाड़ों में लगी भीषण आग, बाड़े में रखी फसल जलकर हुई राख, दमकल ने पाया आग पर काबू। कोटा के बोरखेड़ा में देर रात ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, आग लगने से तेज धमाके के साथ ट्रांसफार्मर जलकर हुआ खाक, क्षेत्र में कई घंटों तक बिजली रही गुल। जैसलमेर के पोखरण में सेना के जवान की पानी की डिग्गी में डूबने से हुई मौत, 12 वर्षीय बहन को डूबने से बचाते वक्त हुआ था हादसा। जयपुर जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई, ग्राम हाथोज किशोरपुरा रोड पर बनाई जा रही थी अवैध दुकानें, प्रवर्तन दस्ते ने समस्त निर्माण किया ध्वस्त। जोधपुर के प्रतापनगर में एक गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर पाया काबू। 44 दिन बाद ही ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस का इस्तीफा, कहा जिस काम के लिए चुना गया था वो नहीं कर सकता। बीकानेर के खाजूवाला में फाइनेंस कर्मचारी के साथ हुई लूट का मामला, खाजूवाला पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा, पुलिस ने नकदी सहित 1 कार और 2 बाइक भी बरामद की। दौसा से विशेष जन बालकों को जयपुर रवाना किया, कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने किया रवाना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ दिवाली मनाएंगे बच्चे। जनसंख्या असंतुलन पर संघ की चिंता के बीच प्रयागराज में भागवत से मिले सीएम योगी, धर्मांतरण और घुसपैठ समेत कई मुद्दों पर बात, दीपोत्सव पर अयोध्या आने का भी दिया न्योता। दिल्ली में पटाखों पर बैन की अर्जी पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा लोगों को साफ हवा में लेने दे सांस। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को सुप्रीम राहत, चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट खंडपीठ का आदेश किया निरस्त, आरसीए की अपील को स्वीकार कर 4 सप्ताह में याचिका का निस्तारण के दिए निर्देश। जयपुर के बस्सी इलाके में महिला की हत्या, सिर पर पत्थर मारकर उतारा मौत के घाट, पति के साथ चल रहा था तलाक का मामला। जयपुर के चाकसू में डीएसटी टीम की कार्रवाई, मेसर्स राजेश ट्रेडर्स के कारखाने पर मारा छापा, 2000 मिलावटी तेल को किया नष्ट। सवाई माधोपुर में रिकवरी के लिए गई बिजली विभाग की टीम पर हमले की कोशिश की गई, घटना से दहशत में आए बिजली विभाग के कर्मचारी जान बचाकर पुलिस थाने पहुंचे। बीकानेर के नापासर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, 250 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। बूंदी के कापरेन कस्बे में हुई लूट की वारदात के बाद पुलिस अलर्ट, जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने वारदात स्थल का मौका मुआयना किया। पशुपालन विभाग में पदनाम परिवर्तन की मांग, पशु चिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ ने उठाया मुद्दा। चित्तौड़गढ़ में दिव्यांग नेत्रहीन शांतिलाल बैरवा ने 2 मेडल जीते हैं, हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत शांतिलाल बैरवा से मिलने आए और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सवाई माधोपुर के बालेर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, दबंगों ने दलित परिवार के साथ लाठी डंडे से मारपीट की। राजस्थान राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण में 2 लाख जल संग्रहण और संरक्षण के काम होंगे, इस दौरान 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल होगा कवर। झुंझुनू के लाल जय सिंह बांगड़वा को आज दी जा रही अंतिम विदाई, अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा जन सैलाब, बांगड़वा परिवार ने साल भर में खो दिए दोनों फौजी बेटे। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरीवास 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे, इस दौरान खाचरीवास ने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी से डर नहीं है। पुलिस मित्र योजना शुरू करने वाले अनिल शर्मा ने एसीपी बगरू के पद पर कार्यभार संभाला, कहा वेस्ट जिले में अपराध पर लगाम लगाना प्राथमिकता होगी। आज मनाया जा रहा पुलिस शहीद दिवस, प्रदेश भर में कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश, बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।